अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सॉरी बोल रही हूँ मम्मी, आई एम सॉरी बच्चे। ये सब आपने किया? हाँ किया। मैं बात करूंगी तेजसर जी से, मैं समझाऊंगी उन्हें। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ये जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से हो रहा है। आज जिंदगी में पहली बार मेरे बेटे ने मुझसे मुंह फेर लिया। मेरे बेटे और मेरे बीच में जो कुछ भी होता है वो हम सुलझा लेंगे। तू दखल अंदाजी नहीं करेगी। समझा मैं मैडम जी को कि मैं भी यही चाहती हूँ कि उनके और तेजसर जी के रिश्ते में कभी कोई दरार ना आए। बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, मैं तेरी गुनहगार हूँ बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं दुनिया की सबसे बदनसीब इंसान हूँ जिसने अपने हाथों से अपनी पूरी दुनिया उजाड़ ली। दवाई ली आपने सर जी? अब सूजी का हलवा पसंद करते हैं ना आप, खाएंगे? सर जी शायद आपकी आंखों में ना कुछ चला गया है, देखिए कैसे पानी बह रहा है। हाँ शायद धूल चली गई होगी, वैसे भी आजकल लोग आंखों में धूली झोंक रहे हैं। कभी कभी ना जो सुनाई और दिखाई दे वो सच नहीं होता। कभी कभी सच सामने होने के बावजूद भी नजर नहीं आता। ये सब बातें किताबों में अच्छी लगती है दालचीनी, असल जिंदगी में जो सुनाई दे दिखाई दे ना वही सच होता है। और वैसे तुम्हारे हिसाब से क्या है फिर सच? मैं सच तो बताने आई हूं आपको सर जी, मैडम जी का सच। आप उनके बारे में जो सोच रहे हैं ना वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। हाँ हो सकता है मैं मॉम के बारे में जो भी सोच रहा हूँ गलत सोच रहा हूँ, पर जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो मैंने अपने कानों से सुना है ना, मैं उसे झुठला नहीं सकता हूँ। और तुम्हें मॉम के बारे में कुछ भी भूलने की जरूरत नहीं है। आज मैंने अपनी मॉम का सच जान लिया है कि वो क्या है कैसी है, इसलिए तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। प्लीज कुछ कोशिश भी मत करना ओके? सर जी मैं आपको कुछ समझाने नहीं आई हूँ, मैं आपको वो सच बताने आई हूँ जिस सच से आप अनजान हैं। एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैं स्टॉप। देखो मुझे ऑलरेडी सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे हर जगह पेन हो रहा है प्लीज। और मुझे मेरी मॉम के बारे में जो जानना था वो मैं जान चुका हूँ, मुझे उसके आगे ना कुछ जानना है ना कुछ सुनना है। तेज। या डॉक्टर। आई होप तुम पहले से बेटर फील कर रहे होगे। अगर ये तुम प्रॉमिस करते हो कि तुम दवा समय पे लोगे तो मैं तुमको आज ही डिस्चार्ज कर सकता हूँ। सोचा भी नहीं था अपने आप को प्रूव करने के लिए आप इस हद तक चले जाओगे, और वो भी सिर्फ अपनी किचन के लिए। अगर मेरी मॉम ही झूठी निकलेगी तो मैं दुनिया में किसी और पर क्या भरोसा करूंगा।
बेटे के लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ी, जो वही बेटा मुझसे बात भी नहीं करना चाहता, मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता है। आज मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई भगवान? इतना सब कुछ जानने के बाद मेरा तेज कभी मुझे माफ कर पाएगा क्या? उसके दिल में मेरे लिए वही जगह होगी जो हमेशा से थी? माँ बेटे का रिश्ता जिस पर मैं आग बंद करके भरोसा था, अगर मेरी मॉम ही झूठी निकलेगी तो मैं दुनिया में किसी और पर क्या भरोसा करूंगा? मैंने कभी सोचा भी नहीं था अपने आप को प्रूव करने के लिए आप इस हद तक चले जाओगे, और वो भी सिर्फ अपनी किचन के लिए। मैडम जी, मैडम जी वहां कहां जा रही है? वहां पर तो छत है, आप छत पर क्यों जा रही थी? नहीं जाने के लिए अब तुझसे इजाजत लेनी पड़ेगी। नहीं मैडम जी, माफ करना, वो मतलब नहीं था मेरा। मैं तो आपको ये बताने आई थी कि वो डॉक्टर जी ने ना तेज सर जी को घर जाने की इजाजत दे दी है, हम सर जी को घर ले जा सकते हैं। तेज घर जा सकता है? हमारी तो जान ही निकल गई थी पुत्र, आगे से बात है तो हमेशा अपना ख्याल रखेगा। जी दर्जी। गॉड ब्लेस यू पुत्र। तेज, भले ही हमारे रिश्ते की डोरियां कमजोर हो, लेकिन पुत्र हूं तो तेरा बाप ही ना। तुझे ठीक देख के ना मेरी जान में जान आ गई, चला बाप के गले तो लग जा। अरे हमारे तेज को तो ठीक होना ही था, बाबा जी की अरदास में बहुत ताकत है, और जब फिर पूरा परिवार एक साथ होकर अरदास करे तो भगवान भी कैसे मना करेगा, उसको तो अरदास सुननी थी ना। तेज भाई, आज के बाद मैं आपको कहीं भी अकेले नहीं जाने दूंगा, जहां भी आप जाओगे आपका दीपू आपके साथ जाएगा। अच्छा ठीक है, तो ये बताओ चाइनीज कंसाइनमेंट पहुंचा कि नहीं? आते ही काम। हाँ वो मैं खुद पहुंचा कर आया हूँ, वो थोड़ी फॉर्मेलिटीज रह गई थी उसमें बड़े पापा ने मेरी हेल्प कर दी। चल कर, गुड जॉब। तेज, थैंक गॉड तुम ठीक हो, मेरी नींद चैन सब उड़ गया था। और तुम बिल्कुल भी ऑफिस की टेंशन मत लेना, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि तेज को आराम की जरूरत है, उसे स्ट्रेन मत करिए। चल बेटा, तुझे कमरे में छोड़ देती हूँ। दालचीनी, तुम मुझे कमरे तक ले चलोगे? इस हालत में मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, प्लीज। हम एक मिनट। मैडम,
थेट सर जी, मैं जानती हूँ आप मैडम जी से नाराज हैं, और अगर आप उनसे बात नहीं करेंगे तो पूरे परिवार वालों के मन में ना कई सवाल उठेंगे, और अगर गलती से परिवार वालों को ये पता चल गया कि ये जो भी कुछ हुआ है वो मैडम जी ने, पूरा परिवार उनके खिलाफ हो जाएगा। आप ऐसा होने देंगे? दालचीनी, तुम मुझे कमरे तक ले चलोगे? इस हालत में मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। अब देखिए दालचीनी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।